ग्वालियर के पड़ाव स्थित एनसीसी ओटीए के हेडक्वार्टर पर आज महिला ट्रेनिंग ऑफिसर्स की भव्य दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया। मेजर जनरल कविता सहाय के मुख्य आतिथ्य में यह दीक्षांत परेड आयोजित की गई, जहां नव प्रशिक्षित महिला ट्रेनिंग ऑफिसर्स द्वारा परेड में शामिल होकर देशभक्ति और देश सेवा का जज्बा दिखाया गया। दीक्षांत परेड समारोह में तीनों सेनाओं के सैन्य अधिकारी और नव प्रशिक्षित महिला ट्रेनिंग ऑफिसर्स के परिजन भी मौजूद थे। थर्ड ऑफिसर पद्मा पांडे, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, बस्तर। ये पासिंग आउट परेड एक ये अंतिम पग था हमारा, और अंतिम पग अंतिम नहीं होता, यहाँ से हमारा कर्तव्य पथ शुरू होता है। ये हमारी ट्रेनिंग थी, ट्रेनिंग का अंतिम पग था, लेकिन इसके बाद हम अपनी ड्यूटी पर जाएंगे और कैडेट्स को जो भी हमने यहाँ सीखा सब कुछ अच्छे से सिखाएंगे। यही हमारी कोशिश और प्रयास भी रहेगा। फ्यूचर हम इसे कैडेट्स के परफॉर्मेंस और कैडेट्स के प्रोग्रेस के बारे में ही देखते हैं, और हम देखते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कैडेट्स हैं, उनको हम आगे बढ़ाएं और आर्मी लाइफ के बारे में बताएं, और इंडियन आर्मी कैसे काम कर रही है, हमारे देश की सेवा कैसे कर रही है, और किस प्रकार से वो कठिन परिस्थितियों में रहकर हमारे कंट्री के लिए सोच रहे हैं और कर रहे हैं। ये चीज़ हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, स्टूडेंट्स लाइफ से ही पता होना चाहिए उन्हें। तो ये चीज़ हम उन्हें फील भी कराएंगे, रियलाइज़ कराएंगे, और उन्हें भी इस तरह की परिस्थितियों में ढलना सिखाएंगे, और उन्हें अपने जीवन में इन चीज़ों को शामिल कर आगे बढ़ना, और उन्हें और स्ट्रांग बनाएंगे, और कोशिश करेंगे कि हमारे कंट्री को जो आर्मी ऑफिसर्स की जो कमियां हैं वो पूरी हो सके, और अच्छे कैडेट्स एक आर्मी ऑफिसर, आर्मी मैन, और जो अभी अग्निवीर आ रहा है उसमें ज्वाइन करें, और सिर्फ आर्मी में ही ज्वाइन ना करें, किसी भी फील्ड में अगर कैडेट्स स्टूडेंट जाते हैं, चाहे वो मेडिकल हो, टीचिंग हो, इंजीनियरिंग हो, तो वो एक अच्छा प्रदर्शन करें, और कैडेट्स अच्छे परफॉर्मेंस के साथ ही हमारे कंट्री के लिए एक उनका सहयोग हो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप सबने देखा कितना कॉन्फिडेंस इन लोगों ने डिस्प्ले किया। अलग अलग जगह से आए हुए हैं, अलग अलग भाषा, अलग, कल मुझे बता रहे थे ये सभी कुछ, कईयों को भाषा नहीं समझ में आ रही थी, भाषा नहीं समझ में आती थी एक दूसरे की, अलग अलग प्रांतों से आए हुए हैं, लेकिन यहाँ मिलजुल के बिल्कुल एक गुलिस्तान के जैसे, एक बुके जैसे, दे हैव कम टुगेदर एंड दे हैव लर्नड सो मच फ्रॉम ईच अदर एंड फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, एंड आगे दे कैन कैरी दीज लेसन्स फॉरवर्ड टू देयर इंस्टीट्यूशंस विच विल हेल्प एम्पावर एवरीबडी। ऑल एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ स्मॉल स्टेप, छोटा कदम ये लोग लेंगे, आगे जाकर के कई लोगों को यही बातें सिखा पाएंगे, उससे इनको और पूरे देश को बहुत बढ़ावा मिलेगा। मैम, किस तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं? लीडरशिप इनको आई है, सबने बोला कि पहले जब यहाँ आए थे तो इन्हें इतना आइडिया नहीं था कि हम खुद क्या कर सकते हैं और आगे क्या क्या सिखा सकते हैं। तो एक इन्होंने लीडरशिप सीखा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस सीखा है, नेटवर्किंग सीखा है एक दूसरे से, सभी ने बोला टाइम मैनेजमेंट बहुत सीखा है, नहीं तो कोई कई काम कंप्लीट नहीं हो पाते थे। अब इनको समझ में आया किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है और टाइम अपना कैसे मैनेज करना है, तो ये सब कुछ इन्होंने यहाँ पे सीखा है। जिन्होंने आज पासिंग परेड की है, इन फ्यूचर किस तरह से देखते हैं इनको? इनको सभी लोग अब बहुत अच्छी नज़र से देखेंगे, क्योंकि पहले ये सिर्फ केयर टेकिंग ऑफिसर्स थे और अब ये ANOs हैं, और इन्होंने अपने शोल्डर पे स्टार लगा रखे हैं। सब इनकी फैमिलीज भी प्राउड फील कर रही हैं, इनको आगे सपोर्ट करना चाहती हैं कि ये और बढ़े अपने करियर में आगे आगे। इनको खुद को कॉन्फिडेंस आया है और सभी लोग इनको दूसरी नज़र से देखेंगे। जी, ये 45 दिन की जो ट्रेनिंग थी ये हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत सारा चेंजेस लाए हैं। हम यहाँ से जो सीख के गए हैं वो अपने कैडेट्स को भी सिखाएंगे, और आज का ये POP जो ड्रिल था इसमें हमें स्टार्स मिले तो हमारे ऊपर एक और रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, और मैं पूरी तरीके से निर्वाह करूँगी इसका। सबसे पहले तो मानसिक रूप से मैं स्ट्रांग हूँ, तभी तो शारीरिक रूप से मैं आगे बढ़ सकती हूँ। जी, मैं वेस्ट बंगाल और सिक्किम डायरेक्टरेट से हूँ, सीमा पांडे झा।